हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अनमोल टेक में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो एडिटिंग बहुत ही बेसिक होने वाली है बिगिनर्स के लिए। ओके, तो ये नॉर्मल एडिटिंग है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। बट उससे पहले आपको प्रीव्यू देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसी से आपको पता चलेगा कि ये जो वीडियो एडिटिंग है किस तरह से होने वाली है। ओके दोस्तों, तो इन सारा जो मटेरियल है, लाइक मटेरियल तो क्या है कि दो चीज़ें हैं, एक तो वीडियो क्लिप है फ्री फायर की वो, और अपना सॉन्ग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ तो बार बार रिपीट करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना तो इतना सारा अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैं सब में बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है कि काइनमास्टर को ओपन कर रखा है। ठीक है, आपको कर लेना है, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक सॉलिड कलर यहाँ पर ले रखा है, बैकग्राउंड में ब्लैक कलर को ऐड कर रखा है। तो जो आप डायरेक्टली मीडिया पे क्लिक करके, इमेज पे क्लिक करके ले सकते हो। ओके, और उसके जस्ट नीचे मैंने अपनी फ्री फायर की वीडियो को ऐड कर रखा है, इमोट वाली। ठीक है, और इसको मैंने स्लो भी कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। स्पीड पे जाओगे तो मैंने 0.4 तक इसको स्लो कर रखा है, तो आपको भी कर देना है। ठीक है, और आपका जो सॉन्ग रहेगा वो भी मैंने ऐड कर रखा है, तो आप ऑडियो पे क्लिक करके सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। ओके, एक मैंने यहाँ पे बीट पॉइंट कर रखी है, ओके, बीट को ऐड कर रखा है, तो आपको भी इसी तरह से कर लेना है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो कैसे करते हो, जैसे ही आपकी टाइमलाइन दिख रही है आपको, इस पर आपको टैप करना है, तो आप देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हो गया, मतलब कि एक बीट ऐड हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप बीट को ऐड कर सकते हो। ओके दोस्तों, और आपको जहाँ पर भी ऐड करना है इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है, तो अपना जो मेन सॉन्ग का बीट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहीं से अपना जो बंडल है वो चेंज होगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने कर रखा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी क्लिप जो मैंने स्लो कर रखी है अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग, तो ये आपको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा खुद से। ओके, तो मैंने भी एडजस्ट कर रखी है, सॉन्ग और वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो ये सारे पार्ट मैंने कटआउट करके निकाल रखे हैं। ओके, तो आपको भी कट कर लेना है, पहले से ट्रिम कर लेना है। आपको काटना तो आता होगा, सिंपल वीडियो क्लिप पे क्लिक करना है, रेजर पे जाना है, और यहाँ से आप आगे पीछे से बीच में से ट्रिम कर सकते हो। ओके, और अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद अपना जो सारा काम है वो इफेक्ट का है दोस्तों, अपनी मेन जो एडिटिंग थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल। तो अब हम इससे और बेटर बनाने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए हम इफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ से हमारी बीट जो अपनों ने ऐड करी है, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन। ठीक है, और आपको यहीं से जितने भी इफेक्ट हैं वो सारे ऐड करने हैं। ठीक है, लेकिन एक इफेक्ट है कलर का, तो वो आपको फर्स्ट से ही देना है। ठीक है, मैं ऐड करके आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है कलर आइसोलेशन का, अगर आपके नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, इसके ऊपर भी मैंने पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है कि आप काइनमास्टर के सारे इफेक्ट जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो आप वो वीडियो देख सकते हो चैनल को चेकआउट करके। ओके, तो मैं फटाफट से इस इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ। ओके दोस्तों, इस इफेक्ट को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, और इसकी सेटिंग आपको ये रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर आपका वाइट रहेगा, तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इंटेंसिटी आपको 80 रखना है, और जो इन्वर्स है उसको 1 रखना है। अगर आप इसको 0 रखोगे तो आपका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो आपको 1 रखना है। ओके दोस्तों, और राइट पे आपको क्लिक कर देना है, और आपको पूरी वीडियो को इस इफेक्ट को दे देना है। ठीक है, मतलब लास्ट तक इसे रखना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक सॉलिड कलर को ऐड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आ जाना है जहाँ से अपना इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से अपनी बीट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से ये मिल जाएगा आपको ब्लैक कलर का सॉलिड कलर। ठीक है, तो इस तरह से आपको जूम कर लेना है, और आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ओके दोस्तों, और ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और यहाँ पे आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, तो मैं इसे फिलहाल फुल ही रखूँगा। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो, और उसी तरह से आपको एक वाइट सॉलिड कलर को लेना है। ओके, तो और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको बिल्कुल छोटा कर रखा है। ठीक है, जितना छोटा होता उतना छोटा आपको इसे कर लेना है, और इसको भी क्या करना है, क्लिक नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग पे जाके ओवरले सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका बंडल चेंज होगा तो एक लाइट का इफेक्ट क्रिएट होगा, आप देख सकते हो। ओके, तो ये इस वजह से अपनों ने इसे लिया है।
अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे दो इफेक्ट को और ऐड करना है। तो वो कौन से, एक तो अपना ब्लेज वाला इफेक्ट और अपना एक ब्लिंकिंग लाइट वाला इफेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों इफेक्ट के बारे में मैं लगभग हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली उन इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ, वो भी आपको लेयर के अंदर, इफेक्ट के अंदर यहीं पे मिलेगा। देख सकते हो ब्लेज वाला ये रहा और ब्लिंकिंग लाइट वाला ये रहा, ठीक है। इनको भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों इफेक्ट को ऐड कर लिया, ब्लेज वाला और ब्लिंकिंग लाइट वाला। तो इन दोनों की सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। ब्लेज पे आपको क्लिक करना है, सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ रेस 10 है और अमाउंट 20 है। लाइन स्ट्रेंथ आप देख सकते हो 7 है और मोड 4 है, ओके। और स्पीड 4 है और एंगल 102 है। इनको आप एडजस्ट नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्विरल आप देख सकते हो 50 है और ब्लर भी 100 है। ये दोनों को आपको फुल रखना है। इसके बाद ब्लिंकिंग लाइट पे आना है और इसकी तीन सेटिंग ही है। तो आप देख सकते हो मोड 0 है, एम्पलीट्यूड 19 रखा है मैंने और फ्रिक्वेंसी को 100 रखा है, ओके। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक इफेक्ट और ऐड करना है जो लेयर पे मिलेगा, और इस बार आपको इफेक्ट पे क्लिक नहीं करना है, स्टिकर पे जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्लेयर का, ओके। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हो, ओके दोस्तों। तो ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ता है स्टिकर के अंदर से जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है तो मैं एक अच्छा सा ऐड कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने इस इफेक्ट को ऐड कर लिया, ठीक है। मैं प्ले करके बताऊँ अब आपको, तो इस तरह से देख सकते हो कुछ फ्लेयर जो उठ रही है ना। तो दोस्तों इस तरह से हमारी वीडियो जो कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको ये नॉर्मल वीडियो, बेसिक वीडियो एडिटिंग आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से आप अमेजिंग वीडियो बना सकते हो नॉर्मल टाइप से, ठीक है। ज़्यादा इसमें आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप इसको एडिट कर सकते हो इस तरह से। तो आज की जो वीडियो एडिटिंग है आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।